ज मनोज कुमारी वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल मैथ्स फ्रेंड एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज ट्वेंट वन एंड क्वेश्चन क्या दे रखा है ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पैन टू दस्ट ऑफ बोल पैन तो देखिए करते हैं स्टार्ट सोल्यूशन देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन डजन वन डजन में कितनी थिंग्स होती हैं ट्वेल्व ठीक है बेटा अगर आप बाजार गए और केले लेने गए तो आप कहोगे भाई एक दर्जन केले दे दो तो उसमें कितने केले आते, है? आते हैं ट्वेल्व आते हैं बेटा ठीक है तो वन वन डजन जो है उसमें कितनी थिंग्स होती है ट्वेल्व ठीक है अच्छा अब देखो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डजन का मतलब कितना है ट्वेल्व तो ट्वेल्व कॉस्ट ऑफ डजन पैंट्स तो कॉस्ट ऑफ ट्वेल्व पैंट्स इज इक्वल टू कितना है रुपीज़ वन हंड्रेड एट्टी अगर हमें वन पैन की कॉस्ट चाहिए कॉस्ट ऑफ वन पैन और वन पैन देखो ट्वेल्व पैन तो आते हैं रुपीज़ वन हंड्रेड एट्टी में कितने में आते हैं रुपीज वन हंड्रेड वन कम में आएगा तो कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड ट्वेल्व से डिवाइड कर दो दे। अब देखो ट्वेल्व से ही काट दो सीधा ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व सिक्स बचेंगे और ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी तो वन जो पेन है वो कितने रुपए में आया फिफ्टीन में और जो बोल पेन है एट कॉस्ट ऑफ एट बोल पेन क्या है कॉस्ट ऑफ एट बोल पेन कितनी है रुपीज फिफ्टी सिक्स जो एट बोल पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है रुपीज़ फिफ्टी सिक्स अब हमें वन की निकालनी है तो क्या कहेंगे कॉस्ट ऑफ वन बोल पेन तो वन कम में आएगा कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो फिफ्टी सिक्स को डिवाइड कर देंगे एट से एट वन जा एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स तो कितना का सेवन बाई रुपीज़ सेवन आ गए कितने गए हमारे पास रुपीज़ सेवन ठीक है बेटा अब हमें रेशियो निकालना है क्या रेशियो निकालना है किसका कि पेन का किससे निकालना है वो बो बोल पेन से निकालना है तो एक पेन कितने में आता कितने रुपए में आता है फिफ्टीन में एक बोल पेन कितने रुपये में आता है सेवन में तो अपोन में सेवन अभी कैंसिल तो हो नहीं रहे तो इसको क्या लिख दो फिफ्टीन बाई सेवन या रेशियो में लिख देंगे तो फिफ्टीन 7. तो एक पेन और जो बोल पेन है उसका रेशियो कितना आ गया हमारे पास बेटा फिफ्टीन रेशियो सेवन लेटर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन क्वेश्चन में देख क्या है कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए होल कोई होल है उसकी ब्रेथ और जो लेंथ है उसका रेशियो कितना दे रखा है टू रेशियो फाइव कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इस टेबल को क्या करना है हमें कंप्लीट करना है दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द होल ये ब्रेथ है मीटर में और ये क्या है बेटा लेंथ है किस में मीटर में ठीक है ये टेबल है इसके हमें यहां और यहाँ ये यह जो ब्लैंक्स है इसको क्या करना है फिल करना है तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन अब क्या दे रखा है इसमें देखो हम इसका ब्रैथ का लेंथ के साथ रेशियो निकालें तो ये इसका जो रेशियो है टू रेशो फाइव दे रखा है मतलब ये आपस में सारे क्या है इक्वल है आपस में क्या है बेटा सारे इक्वल है तो हम क्या कर देंगे कि टेन अपॉन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ये बॉक्स रख लेते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है इसको लेट कर लिया हमने जैसे एक्स है ठीक है तो एक्स अपोन ये कितना है फिफ्टी अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जगह टेन मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी अपोन में ट्वेंटी फाइव फाइव टू जा ट फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव वन जा फाइव और फाइव टेन जा फिफ्टी और टेन टू जा कितना जाएगा बेटा ट्वेंटी टेन टू जा कितना जाएगा ट्वेंटी और इधर क्या है एक्स तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई टेन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वेंटी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर ट्वेंटी अब देखो इसको मान लेते हैं हम वाई क्या मान लेते हैं वाई अब ये सारे आपस में ही हैं तो इसको ये कर दें कि टेन अपोन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू कितना होगा फोर्टी अपोन में वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा हम ये कर दें कि भाई टेन मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू फोर्टी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव अब इसको यहाँ करते हैं हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो फोर्टी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में जीरो से जीरो कैंसिल तो वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव फोर जाए कितना जाएगा हंड्रेड तो वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हंड्रेड और एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेंटी तो यहाँ जो है वो कितना आ जाएगा ट्वेंटी और यहाँ कितना आ जाएगा हंड्रेड तो ये क्या आ जाएंगे इस तरह से हमारे आंसर जो भी ब्लैंक्स था उसमें उसको हमने इस तरह से फिल कर दिया है लेटर्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिवाइड ट्वेंटी पैंस बिट्वीन शिला एंड संगीता हमें ट्वेंटी पेंस को डिवाइड करना है किसके बीच शीला और संगीता के बीच इन द रेशियो थ्री रेशियो टू किस रेशियो में थ्री रेशियो टू में तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं सबसे पहले कितने पेन को डिवाइड करना है ट्वेंटी को तो टोटल पेंस दे रखिये हमारे पास टोटल पैंट्स कितने हैं ट्वेंटी ठीक है अब रेशियो दे रखा है किसका सिला सिला और संगीता का जो रेशियो दे रखा है ये कितना दे रखा है बेटा थ्री रेशियो टू तो हमें इन ट्वेंटी पेन को इनके बीच डिवाइड करना है शीला और संगीता के बीच तो ये रेशियो दे रखा है शीला और संगीता का तो हम इसका सम निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे सम थ्री प्लस में टू और थ्री और टू कितने हो जाएंगे फाइव हो जाएंगे ठीक है अब हमें निकालना है शीला के पास पैन तो शीला का जो पार्ट हो जाएगा शीला का कितना हो जाएगा शीला का रेशियो कितना है इसका पार्ट कितना है थ्री अपॉन सम ऑफ रेशियो फाइव और मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी ट्वेंटी के मल्टीप्लाई बाय टोटल टोटल कितना है ट्वेंटी तो फाइव हो जाए फाइव फाइव फोर जाए ट्वेंटी तो थ्री फोर जाए कितना हो जाएगा ट्वेल्व तो इसको जो सीला है इसको कितने पैंट्स मिलेंगे ट्वेल्व पैंट्स मिलेंगे बेटा ठीक है फिर किसका निकालना है हमने संगीता का किसका निकालना है संगीता अब संगीता का पार्ट कितना है टू अपोन में कितना सम ऑफ रेशियो फाइव और मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव हंजा फाइव फाइव फोर जा ट्वेंटी टू फोर जा एट टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चाहे बेटा एट तो संगीता को कितने पैन मिले एट पैन मिले तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि ट्वेंटी पैन डिवाइड करो किसके बीच शिला और संगीता के बीच तो इस तरह से क्वेश्चन ये सोल्यूशन करके हमने डिवाइड कर दिया है शिला और संगीता के बीच कि शिला के को ट्वेंटी पेन मिल ट्वेल्व पेन मिले हैं और संगीता को एट तो अगर आप बेटा आंसर भी चेक करना चाहो तो टोटल पेन ट्वेंटी है ना तो ये ट्वेल्व है शिला के पास संगीता के पास एट तो इनका अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी तो इस तरह से आप इनका आंसर भी चेक कर सकते हो तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आप लोगों को करवाने की कोशिश की है जो मेरी मैथमेटिक्स की जो भी वीडियोज है बेटा जो भी मैं बना रही हूँ वो बिल्कुल ईजिएस्ट वे में आप लोगों को करवाने की कोशिश करती हूँ एंड आई होप आपको समझ भी आ जाते होंगे तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लिया करो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय Now thanks for watching it.